नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल डेयरी फार्मिंग। और जैसा कि आप सभी को पता है, डेयरी फार्मिंग आपके लिए वो सभी नुस्खे लेके आता है जो आप घर से आसानी से अपने पशुओं का इलाज कर सकते हैं। यहाँ बताए जाते हैं आपको घरेलू उपाय। तो इन घरेलू नुस्खों के अंदर हम पेड़ पौधे, आपकी रसोई के अंदर मिलने वाले मसाले, इन्हीं तरह की चीज़ों से आपके पशुओं का इलाज करते हैं। तो हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि हमारे पशुओं के जैसे प्रॉब्लम होती हैं, उन प्रॉब्लम्स की लिस्ट कुछ इस तरीके से है कि जैसे आपके पशु की आंखों में पानी आना यानी कि गिद्ध आना, दूसरा आपके पशु का कम खाना, उसके अपच की शिकायत, गोबर में बदबू हो जाना, उसको भूख अच्छे से ना लग पाना। अगर पशु अच्छा खाना खा भी रहा है, अच्छे से चर भी रहा है, तो उसका कमजोर रहना। दूसरी बात, आपके पशु का दूध पूरी तरीके से प्रॉपर ना देना। तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं कि हम उस चीज़ को, जैसे दूध अगर वो नहीं दे रहा है तो हम उसको उस दूध के लिए दवाइयां देते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको पशु की प्रकृति को समझने की ज़रूरत है। आपको देखना है कि कहीं ना कहीं हमारी जो प्रॉब्लम है वो कुछ और है, उसकी जड़ तक आपको पहुँचना है। और वो जड़ होती है कि आपके पशु के शरीर के अंदर बहुत सी तरह के कीड़े होते हैं, जिनको हम पेट के कीड़े, लीवर के कीड़े। तो आप उन वॉर्म्स को ख़त्म करने के लिए आप मेडिकल पे जाते हैं और केमिस्ट आपको एडवाइस देते हैं कि आप ये फला फला एक बोलस है या लिक्विड है और ये इस स्ट्रेंथ की आती है, आप इस टेबलेट को दीजिए और आपके पशु को देने के बाद में उसके पेट के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन फिर प्रॉब्लम शुरू होती है कि आपने पेट के कीड़े तो ख़त्म कर दिए, अब उसके साथ में ही पशु को दूसरी समस्याएं खड़ी होगी। फिर आप केमिस्ट से पूछते हैं तो वो केमिस्ट आपसे बोलते हैं कि आपने सिर्फ अभी टैबलेट दी है, इसके टैबलेट के डिवॉर्मिंग के देने के जस्ट बाद में आपको लीवर टॉनिक पिलानी पड़ेगी। तो यहाँ पशुपालक को दो बार खर्चा करना पड़ गया। तो यह हो गया आपका पशुपालन के अंदर नुकसान, क्योंकि पशुपालन जो है ना दोस्तों, आज भी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाया है कि जहां पे पैसे को हम नज़रअंदाज कर दें। और यहां पैसे की बहुत बड़ी कीमत होती है एक पशुपालक के लिए, और मैं आपको वही बताने जा रहा हूं कि आप अपने पैसे को किस तरीके से बचा सकते हो। यहां बचाना ऐसे है, आपको कुछ घरेलू उपाय करने हैं और आपको समय समय पर आपको अपने पशु को ये डोज देनी है, जिससे कि आपके पशु के पेट के कीड़े बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, उसके पेट से संबंधित कोई कीड़े नहीं रहेंगे। और जब आपके पशु के पेट में कीड़े नहीं होंगे तो उसकी दूध की प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसकी भूख बढ़ेगी, उसका हाजमा सही होगा, उसके गोबर में कोई बदबू नहीं आएगी, उसके गोबर के अंदर कोई चारा नहीं आएगा। जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ने वाली है ही है, तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो आपको खुद को भी मतलब ये लग रहा होगा कि जब इस तरह से हो जाएगा तो हमारे पशु का जो प्रोडक्शन लेवल है वो अप होने वाला है। तो मैं आपको ये नुस्खा बताऊं, उससे पहले यदि आपने हमारे इस डेयरी फार्मिंग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, आप उसको टच कीजिए, वो ब्लैक हो जाएगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ही बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए। ऑल पे क्लिक करने से जो भी हमारी वीडियो आएगी उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके सामने चला जाएगा और जब भी आपको समय हो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों, हमारा जैसे जैसे परिवार ये बड़ा हो रहा है, उसी तरीके से हमने ज़रूरतों को समझते हुए हमने एक इंस्टाग्राम पेज भी अपना बनाया है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम कुछ अच्छी अच्छी पोस्टें पशुपालन से संबंधित डालते हैं। तो आप इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जाइए, वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए, वहाँ भी अपना प्यार यूँ ही बांटिए जिस तरीके से आप इस डेयरी फार्मिंग चैनल के ऊपर हमें दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं, आपको बाजार से पंसारी के यहाँ जाना है, पंसारी को बोलना है कि जो चीज़ें हमें देनी है वह शुद्ध दें। यहाँ मैं ये बार बार आपको हर वीडियो के अंदर ये बात बोलता हूँ, क्योंकि शुद्ध आइटम जो बिल्कुल प्योर जो होते हैं वह लेना आपकी जिम्मेवारी बनती है। आप अगर इससे इसको नज़रअंदाज करते हैं तो वो क्या होता है कि रिजल्ट आपको वो नहीं मिल पाता जैसा हम बताते हैं। तो आपको सबसे पहले पंसारी से कहना है कि आप हमें जो भी आइटम दें वो शुद्ध दें, और उन शुद्ध आइटम में आपको क्या लेना है, सिर्फ मात्र तीन चीज़ें, और उसमें होता है आपके बाय बड़म,
काला जीरी और हींग, बस तीन आइटम लेने हैं। तो इन तीन आइटमों को आप ले आइए। मात्रा आपको ये स्क्रीन पे दिखाई गई है, हर पशु के हिसाब से, आपके छोटे बड़े गाय घोड़ा भैंस बकरी जो भी पशु हैं उन सब के हिसाब से आपकी खुराक अलग अलग होगी। और जैसा आपका पशु है आप अपने पशु के हिसाब से अपनी खुराक को चूज कर लीजिए और वह खुराक ले करके यह डोज बनाइए और अपने पशु को गुड़ के साथ में या किसी भी चीज़ के साथ में खाली पेट उसको ये दे दीजिए। अगर आप लगातार यह डोज अपने पशु को खिला रहे हैं तो दोस्तों मैं पूरी तरीके से आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके पशु के पेट के अंदर कीड़े तो रहेंगे ही नहीं, उस साथ में ही उनके जो छोटे अंडे होते हैं जिनको लार्वा बोलते हैं वह भी खत्म हो जाएंगे। और उसके साथ साथ में आपको किसी भी तरह का लीवर टॉनिक देने की जरूरत ही नहीं है, आपको आवश्यकता ही नहीं होगी कि आपको लीवर टॉनिक अपने पशु को पिलाना पड़े, क्योंकि ये प्रकृति का एक नायाब तोहफा है आपके लिए, आपके पशु के लिए। यह एक नेचुरल लीवर टॉनिक का काम करेगा और साथ में ही एक प्राकृतिक डिवॉर्मर भी है। तो आप इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने पशु को यह दे करके हमेशा हमेशा के लिए आप अपने पशु को निरोगा बना के रखिए। दोस्तों हमें ज़रूरत है हमारे पेड़ पौधे पत्तियों जड़ी बूटियों और हमारे जो मसाले हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान को सौगात है मसालों की कि यहाँ पे इतने मसाले होते हैं, ये आपके लिए वरदान है। तो आप इनसे वंचित ना रहिए, इनके प्रति जागरूक होइए और मेरा काम भी जागरूक करने का है। और आप लोगों को अगर पता है तो आप भी अपने आसपास इस जागरूकता को फैलाइए। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो आप अधिक से अधिक दोस्तों को भी ये वीडियो दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आज के लिए इस डेयरी फार्मिंग चैनल की इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। और टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने टॉपिक भी बता सकते हैं कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पे लेके आएं, तो अगली जो वीडियो होगी वो आप ही के टॉपिक पे रहोगी। आज के लिए जो मैंने आपको बताया, मुझे उम्मीद है आपको ये हमारा नुस्खा ये हमारी नॉलेज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। एक दोस्तों जाते जाते एक मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी आपसे कही थी, एक हमारा डेयरी फार्मिंग का हम मेंबरशिप का एक फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सदस्यता के लिए आप वो फॉर्म को पूरा भर दें तो उससे आपको डेयरी फार्मिंग की सदस्यता निःशुल्क मिल जाएगी। दूसरा, आप किस किस जगह से हमें देख रहे हैं वह भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर डालें ताकि हमको पता चल सके कि आपका प्यार हमें कहां कहां से मिल रहा है। तो देव शेखावत को दीजिए इजाज़त और मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के अंदर, इसी डेयरी फार्मिंग चैनल में आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों।